Hey guys, welcome back again to my YouTube channel and Harikrishna Tutorial. And today I am here for CS प्रोफेशनल का जो सब्जेक्ट है एक कंप्लायंस मैनेजमेंट NDD. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पता है I used to like it but I didn't able to score in this marks. मतलब obviously I cleared it. I got around some I think 49 or something 52 something इतना ही आया था मेरा. I स्टडीड अ लॉट फॉर दिस सब्जेक्ट. एक्चुअली मैंने प्लानिंग के साथ पढ़ाई की थी सब कुछ, बट यू नो समटाइम्स व्हाट हैपन, हम जिसके लिए जितना पढ़ लेते हैं उसमें कम मार्क्स कम आ जाते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट कह सकते हो. डीडी बहुत लोगों को बोरिंग लगता है बट इट इज एक्चुअली नॉट बोरिंग. यहाँ पे स्कोरिंग भी अच्छे से होती है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे या नॉर्मली इसके एक आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें थोड़ा सा इश्यू होता है. सो आई एम कमिंग, मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें तुम पूरा देखना, मैं इसमें प्रॉपर बताऊंगा कि तुम्हें डीडी में एक्चुअली पढ़ना कैसे है. वो 40 और 60 मार्क्स का बना हुआ है वो टेबल, लेकिन वो तुम्हें नहीं देखना है. वो एक बस सब एक प्रिस्क्राइब कर दिया इंस्टीट्यूट में मार्क्स, और उसको टुकड़ों में कैसे पढ़ना है ना, वो बेस्ट तरीका बताऊंगा. ऐसे ही मैंने खुद भी पढ़ाई की थी एंड आई नो लगेगा कि ये सही नहीं बता रहा है, बट आई एम टेलिंग यू, तुम एक वीडियो देखोगे ना समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है. ऑल्सो मैंने CSR का वीडियो बना दिया है. दिस इज द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो इस एपिसोड सेकंड होगा. CSR का मैंने पहले ही बना दिया. इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच इट. मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल्सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, लिंक्डइन की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है. जहां कनेक्ट होना वहां कनेक्ट हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन बिलो. एंड ऑल्सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो वी हैव अ कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. ठीक है. नाउ वॉट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू नो दैट दो पार्ट है. ठीक है. फर्स्ट इज तुम्हारा जो एथिक्स वाला पार्ट है, और जिसमें यू नो कंप्लायंस मैनेजमेंट एक्चुअली लिख के लाया हूं कि मेरे को एग्जैक्टली तुम्हें कैसे बताना है, क्योंकि मैं भी ऐसे प्लान करता था. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट है 40 मार्क्स का. सेकंड पार्ट है तुम्हारा इसका, जहां पे तुम्हारे ऑडिट वाला पार्ट. ठीक है. वो 60 मार्क्स है. इफ अगर मॉड्यूल के पेजेस देखोगे तो 600 पेजेस है अराउंड. 300 पेजेस तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, 300 पेजेस अप्रोक्सीमेटली सेकेंड पार्ट है. ठीक है. बट फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का है, सेकेंड पार्ट 60 मार्क्स का है. तो अब पढ़ना कैसे है. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज मैं देखता हूं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. प्लस आंसर राइटिंग इसकी थोड़ी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ऑल्सो यहाँ पे कुछ कुछ वो ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आया है क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट तुम्हें पढ़ना कैसे है, उसके बाद में धीरे धीरे बताऊंगा नोट्स मॉड्यूल क्या करना है. पहली चीज तुम्हें कौन से टीचर से पढ़ रहे हो आई डोंट नो, बट आई एम रिकमेंडिंग वन टीचर दैट इज मुस्कान मैम. शी इज द फैकल्टी ऑफ यस अकेडमी. शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर DD. आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट यू जस्ट वॉच हर. बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम. ऑल्सो मैं कभी आज तक किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, बस इस सब्जेक्ट के लिए नाम ले रहा हूँ बिकॉज शी इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर दिस. ऑल्सो शी विल एक्चुअली हेल्प यू विद द एवरीथिंग. बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. बट फॉर नाउ मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे, खुद की स्ट्रेटेजी से कैसे पढ़ना है. ठीक है. तो पहली चीज यू हैव वो फर्स्ट पार्ट, जहां पे तुमको फर्स्ट 3 चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं मॉड्यूल से. फर्स्ट चैप्टर है कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेकंड इज जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला है, और थर्ड इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन. ये एक पार्ट बना लो, ये 3 चीज लिखते जाना. ठीक है. ये 3 सब चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से पढ़ने हैं मॉड्यूल से. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द लास्ट. तुम्हें बीच के 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, एथिक्स और CS वाला जो तुम्हारे 2 है, डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह ये सब CS के रिलेटेड है, वो नहीं पढ़ने का. लास्ट में जाना है कंपाउंडिंग और रेमेडीज वाला, इसी पार्ट में वो पढ़ना है. देन उसके बाद तुमको जाना है थर्ड वाले में, कौन सा वाला, एथिक्स और CS का जो चैप्टर है. तो ये हमारा 40 मार्क्स यहाँ कवर होगा. इसी लेवल के थ्रू पढ़ना है. फर्स्ट 3 चैप्टर, लास्ट के 2 एंड देन बीच वाला, ऐसे पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट 3 चैप्टर्स में तुम्हारे 15 to 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे. आई नो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक CS प्रोफेशनल का, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू द पार्ट B. पार्ट B में क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ बैकवर्ड. वाई बैकवर्ड, बिकॉज बैकवर्ड में इंटरनल ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, ड्यू डिलिजेंस है. ठीक है. और आई थिंक 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर तुमको पहले खत्म करने हैं. ये मार्क्स तुम्हारा 20 मार्क्स कवर करता है, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स कवर करता है. तो ये 4 तुम्हें पहले खत्म करने, और ये चैप्टर भी तुम्हें किससे पढ़ने, मॉड्यूल से. अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ना चाहते हो देन टेक किसी भी टीचर का, जिससे टीचर से तुम पढ़ रहे हो उस टीचर का नोट ले लो, या अगर तुमने नोट्स बनाए हैं दैट इज बेटर, तो अपने नोट से पढ़ लो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव टू, अब ये 4 चैप्टर हो गए लास्ट के, अब तुमको कहां जाना है. नाउ यू हैव टू गो टिल फर्स्ट चैप्टर कौन सा, ऑडिट वाला, जहां पे सारे ऑडिट्स दिए हैं। तो तुम्हारे ये नीचे के चार और फर्स्ट वाला पार्ट सारे ऑडिट खत्म हो गए और ड्यू डिलिजेंस खत्म हो गए। नाउ ऑडिट की प्रोसेस है, वो चार चैप्टर बीच में आते हैं, एंगेजमेंट, ओपिनियन बेस, ये तीन चार चैप्टर है, तुम समझ जाओगे जब मॉड्यूल खोलोगे तो। वो चार चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद तुमको पीयर रिव्यू वाला चैप्टर है एक, और आई थिंक ऑडिट वाला एक चैप्टर है, जो भी है पीयर रिव्यू वाला चैप्टर है, वो तुमको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने का मैंने तरीका बताया है, इफ तुम्हें समझ में नहीं आया फिर से बैकवर्ड जाके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑल्सो कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट, मैं वहीं के वहीं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नाउ कम्स द रिवीजन पार्ट। ये तुमको इस लेवल से पढ़ना है। रिवीजन कैसे करना है? अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ रहे हो बेटर, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता इसके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है मॉड्यूल इसके लिए, और इससे क्वेश्चन अच्छे बास खासे बनते हैं। नहीं है तो जो जो मैंने मॉड्यूल से पढ़ने के लिए कहा है वो मॉड्यूल से पढ़ना। आई विल ट्राई कि वो तो मॉड्यूल से ही पढ़ो यार, मतलब आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग कि कुछ और किसी चीज में जाओ, बट अदर तुम्हें मॉड्यूल से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है देन उनको मॉड्यूल से पढ़ो। अदर सब्जेक्ट जो तुम्हारे चैप्टर्स छूट गए ना, उनको स्टार्ट करो किसी टीचर के नोट से या खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो, तो तुम किसी टीचर्स का भी नोट्स रेफर कर सकते हो उन सारे चैप्टर्स के लिए, बट एटलीस्ट जो मैंने बताया वो मॉड्यूल से पढ़ लो यार। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर भी अभी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ लो, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। नाउ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसमें इस पेपर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, समझ में भी आता है, बट तुम लिख के नहीं आते और मार्क्स यहाँ बहुत कटते हैं। तो डू राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, उठाओ और प्रैक्टिस करो। नहीं है तो स्कैनर खरीद लो और उससे प्रैक्टिस करो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर हाउ टू स्टडी। प्लानिंग तो कैसे करनी है वो स्केड्यूल में तुमको बता दिया मैंने, 65 डेज के स्केड्यूल में, लेकिन तुमको पढ़ना कैसे है पर सब्जेक्ट वो ये है। ठीक है, आई होप इस तरीके से तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज कैन, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट वंस यू गॉट दैट ग्रिप इन दिस सब्जेक्ट नो मजा आएगी पढ़ने में। और थोड़ा है बोरिंग फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, लेकिन ऑडिट वॉडिट में ऐसा है ना कि एक बार समझ गए तो बनने लगता है। सो ट्राई टू माइंडसेट बना लो वो, और इस सब्जेक्ट को बहुत प्यार से पढ़ो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी क्वेश्चन हो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक्स। इसके बाद अब नेक्स्ट थर्ड एपिसोड रिलीज करूंगा मैं सीएस प्रोफेशनल का, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।